हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। बच्चों, 3.3 तक जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमने इस चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अब वो आपने वो सब देख लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 3.4 का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। क्या है ये पहला सवाल? ऑन 1 जैन 2016 सानिका ने डिसाइड किया कि वो 10 रुपये जमा करेगी, फिर 11 रुपये दूसरे दिन, तीसरे दिन 12 रुपये, ऐसे चलते जाएगा। ऐसे ही वो अगर पैसे सेव कर रही है तो 31 दिसंबर 2016 को उसके पास कितने पैसे जमा होंगे? ठीक है, मतलब साल में कितने दिन रहेंगे उसके हिसाब से फिर हम सम करेंगे, SN का फॉर्मल लगाएंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन 2016, बच्चों की 2016 लीप ईयर है या नहीं है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट, जैसे 16 है यहाँ पे, तो ये 4 के टेबल में अगर आते होंगे, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आने वाले हैं तो वो लीप ईयर रहते हैं। जैसे 2020, 2024, 4 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स ही रहेंगे वो साल हमेशा लीप ईयर रहेंगे। ओके, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे उसने लिखा कि सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, देन ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। तो उसकी जो सेविंग है, देयरफॉर सानिका सेविंग इज इन एपी। सानिका की जो सेविंग है वो कैसी है? एपी में। ओके, इसके बाद सीक्वेंस बनेगा हमारा 10, 11, 12, 13, तो कॉमा कॉमा पता नहीं एंड में कितना आएगा। यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों हमें 10। डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, T2 - T1। सेकेंड टर्म कितना? 11 -10, ये हो जाएगा 1। तो ए हो गया 10, डी हो गया 1, और एन कितना हो गया? एन हो गया 366, 366, बिकॉज 2016 इज लीप ईयर। 2016 क्या था? लीप ईयर था। क्या करना है? SN का फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। SN इज इक्वल टू एन बाई टू 2a + n - 1d। डी 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 चलो आगे वैल्यूज पुट करते हैं। S 366 इज इक्वल टू 366 बाई टू, 2 × a की वैल्यू कितनी है 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है 366 माइनस 1, और d की वैल्यू है 1। उसके बाद कुछ नहीं सर, अब सॉल्व करना है। 366 बाई टू ये हो जाएगा 2 × 10, 20 प्लस 365, 20 प्लस 365 कितना होगा? 20 प्लस 365 कितना होगा, कितना होगा? इसको मिटा देती है, इसको मिटा देती है, यह कितना आएगा? S 366 इज इक्वल टू, इसको हाफ कर लेते, क्योंकि देखो ये वाला जो नंबर है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब यहाँ आ जाएगा 385। तो S 366 इसको अगर हम हाफ करते हैं, इसको हाफ करते हैं तो आ जाएगा 183, 183। ओके, एंड 183 इंटू 183 इंटू 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 करेंगे किससे? 385 से, 385 से। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 366 इज इक्वल टू 70455, 70455, 70455, ये हो जाएगा सम। ओके ओके, तो यहाँ क्या लिखोगे? व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, तो यहाँ लिखोगे हर, हेंस एंड में, हेंस हर टोटल सेविंग ऑन 31 दिसंबर 2016 विल बी 70455। देखो बच्चों, रोज इतना पैसा भी जमा करते हैं हम, 10 रुपये 11 रुपये, तो भी हमारे पास साल के एंड में 70,000 रुपये आ जाएंगे।
चलिए अगला सवाल। एक इंसान ने बोरो लिया, उधार लिया 8,000 रुपये, और एग्री किया, मान लिया कि मैं पे करूंगा इंटरेस्ट 1,360 रुपये। कितने इंस्टॉलमेंट में? 12 इंस्टॉलमेंट में। धीरे धीरे हल्लू हल्लू करके 12 इंस्टॉलमेंट में वो पैसे वापस कर देगा। हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से, इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन प्रेसिडिंग, पहले वाले इंस्टॉलमेंट से कितने से कम रहेगी? 40 रुपये से। तो पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालना है उसकी, पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालना है उसकी। तो इंसान ने कितने पैसे लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल ये कितना था? 8,000 रुपीज। प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इसका, पी पी इज इक्वल टू। देखिए कितने पैसे लिए उस इंसान ने? 8,000 रुपये। तो उसको कहेंगे प्रिंसिपल हो गए हमारे 8,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 1,360 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ये कितना हो गया? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8,000 प्लस 1,360, ये हो जाएगा 9,360। ऐड करने के बाद 9,360। डी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? डी की वैल्यू दी है -40, क्योंकि बोल रहे हैं वो हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले वाले से 40 रुपये से कम रहेगी। मतलब डी की वैल्यू हो गई कितनी? -40। हमें निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए की वैल्यू निकालना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T12 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि एन की वैल्यू दी है 12, 12 इंस्टॉलमेंट में वापस किया गया। बच्चों जो ये वैल्यू आती है ना, टोटल अमाउंट, ये है SN का ही फार्मूला, SN की ही वैल्यू, टोटल अमाउंट जो है वो SN की वैल्यू है। तो 9,360 ये हो गया SN, SN है हमारे पास, D है हमारे पास, N है हमारे पास, फार्मूला लगाएंगे आंसर मिल जाएगा हमें। चलो SN का फार्मूला लगा दें, SN इज इक्वल टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1D। SN कितना है? 9,360। एन कितना है? 12 डिवाइड बाई 2। 2A प्लस 12 माइनस 1, डी की वैल्यू -40, ये 2 इधर आ जाएगा। तो 9,360 इंटू 2, और ये 12 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि उस साइड मल्टीप्लाई है। 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता, ये हो जाएगा 11 इंटू -40, ये हो जाएगा कितना? 6। 6 से यहाँ पे डिवाइड कीजिए, कीजिए भाई कीजिए, 6 1 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 3, 33। 6 5 30, फिर 36, 6 6 36, तो डिवाइड करने पे आ रहा है 1560, 1560। 2a माइनस 11 4 44 और 0, ये 44, 0 इस साइड लेके आइए, प्लस हो जाएगा 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। तो 2a इज इक्वल टू, इसको आप प्लस करोगे बच्चों तो आ जाएगा 2000। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1000 रुपीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो कितनी है? 1000 रुपीज की। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? T12 पूछा है, लगाइए T12 का फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 12 माइनस 1 डी, ए प्लस 12 माइनस 1 डी, ए मिल चुका है हमें 1000, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11, डी की वैल्यू -40, तो 1000 माइनस 11 4 44, 440। अब माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 में से 440 रुपये के 560 रुपये, 560 रुपये। हिंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये कितना आया? 1000 रुपये का। और लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट ये कितना आया? 560 रुपये का, 560 रुपये। ओके क्लियर, क्लियर, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे भागे, आगे भागे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन ने इन्वेस्ट किया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, और पहले साल उसने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये, फिर 7,000 रुपये, फिर 9,000 रुपये, और इसी तरीके से चलते गया। टोटल अमाउंट, टोटल जब भी पूछ लिया गया तो सम ऑफ, सम निकालना है आपको, सम निकालना है। टोटल जब भी पूछा तो यहाँ पे सम निकालना, कितने साल बाद? 12 साल बाद, मतलब एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है 12। चलिए सचिन
इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इन कहाँ पे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, सर्टिफिकेट स्कीम। उसने इन्वेस्टमेंट कैसे किए देखिए, 5,000, फिर 7,000, फिर 9,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ सचिन इज इन एपी। जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसने वो कैसे है, एपी में। ए इज इक्वल टू वैल्यू 5,000, फिर डी इज इक्वल टू क्या करेंगे, टी टू माइनस टी वन, 7,000 माइनस 5,000, ये कितना आ जाएगा 2,000। टी वन लिख लेते हैं 5,000, टी टू लिख लेते हैं 7,000, एन की वैल्यू कितनी दी है 12, हमें यही निकालनी है एस 12। 12 इंस्टॉलमेंट के बाद कितने पैसे जमा होंगे उसके पास में, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 12 बाई टू, टू इंटू ए, टू इंटू ए मतलब 2 इंटू 5,000, एन की वैल्यू 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 2,000। कैलकुलेशन इजी है, यहाँ आ जाएगा 12 बाई टू 10,000 प्लस 11 इंटू टू 22,000, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई टू 32,000। इसको और इसको कैंसिल कीजिए तो आ जाएगा 16,000, पीछे से 3 जीरो लगाइए, 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 में जा 16 और 3 19, 192,000, 192,000 रुपीज, 190,000 रुपीज। सो हेंस 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 12 साल में कितने पैसा मिलेंगे, सचिन इन्वेस्टेड, सचिन इन्वेस्टेड 192,000 रुपीज इन 12 ईयर्स, 12 साल में इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। ओके ओके चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास आ गया कि एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज है सीट्स की, 20 जो सीट्स है वो फर्स्ट रो में है, 22 जो सीट्स है वो सेकेंड रो में है, 24 जो सीट्स है वो थर्ड रो में है और ऐसे ही चलते जा रहा। हमें पता करना है कि 15th रो में कितनी सीट्स है और पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले चीज कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो दिए, टोटल नंबर ऑफ रोज ये कितने दिए 27, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 27। फिर जो सिक्वेंस दिया है वो दिया है 20 का, 22 का, 24 का एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ लिखेंगे हम द सीट्स ऑफ ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम इज इन एपी। जो ऑडिटोरियम की सीट्स है वो एपी में है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू हो जाएगी 20, T2 की वैल्यू हो जाएगी 22, T3 की वैल्यू हो जाएगी 24। T2 माइनस T1 करेंगे हम, 22 माइनस 20 तो हमें मिल जाएगा 2, जो कि होगी इसके लिए D की वैल्यू। और E की वैल्यू कितनी है, T1 ही E की वैल्यू होती है, E की वैल्यू T1 ही होती है। N की वैल्यू कितनी है 27। पहला सवाल हमारे पास है कि 15th रो में कितनी सीट्स है, मतलब 15th बोला तो T15 निकालना है, मतलब TN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, TN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं फॉर T15, A is equal to 20, D is equal to 2, N is equal to 15. So TN is equal to A plus N minus 1 D, A plus N minus 1 D. चलिए T15 is equal to A की वैल्यू 20 plus 15 minus 1 D की वैल्यू 2. 20 plus 14 into 2 तो 20 प्लस ई हो जाएगा 28, ई हो जाएगा 48। तो 15th रो में कितने सीट्स हैं,
फिफ्टींथ रो में कितनी सीट्स हैं, 48। फिफ्टींथ रो में कितनी सीट्स हैं, 48। अब क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम कितना है, तो इसके लिए ए की वैल्यू लेंगे 20, बी की वैल्यू लेंगे 2, एन की वैल्यू लेंगे 27, की भी 27 रोज है और आपको निकालना है एन 27। चलिए फार्मूला बताइए, एन बाई टू, और बड़ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि ए डी और एन तीनों के लिए यूज करना है, तो एन माइनस वन डी। एस 27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद 27 बाई 2 यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 26 इंटू 2 ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 26 टू कितना हो जाएगा 52, और 52 प्लस 40, 52 प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 52 प्लस 40 92, 92 तो 27 इंटू इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 92, इसको डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ आएगा 27 इंटू इंटू 46, 27 इंटू 46, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 46 ये आ जाएगा फिर 27 इंटू 46 मल्टीप्लाई करने के बाद 1242। रुपीज नहीं, रुपीज नहीं, बिल्कुल हर जगह पैसा ही दिखत पाटेगा। 1242 1242 1242 1242 1242। तो टोटल कितने सीट्स है बच्चों उस ऑडिटोरियम में, 1242 1242। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हेंस करके लिख लीजिएगा, हेंस करके लिख लीजिएगा ये दोनों आंसर्स को। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे कुछ ये रहा कि कारगिल का जो टेम्परेचर है वो मंडे टू सैटरडे के टाइम पे रिकॉर्ड किया गया, सारे टेम्परेचर एपी में थे, जो मंडे का टेम्परेचर है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे का जो टेम्परेचर है और किसका सैटरडे का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से ज्यादा है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे। अब बोल रहे हैं वेनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना, -30, तो बताइए बाकी 5 दिन का टेम्परेचर कितना होगा। अरे बाप रे, यहाँ टेम्परेचर देख के हमारा टेम्परेचर भारी हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है कि मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर एपी में है, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ मंडे टू सैटरडे इज इन एपी। तो क्या लिखेंगे हम, लेट ले लेते हैं, लेट टेम्परेचर्स ऑन मंडे, लिस्ट टेम्परेचर्स मंडे के लिए जो टेम्परेचर है वो हम मान लेते हैं ए। ये क्या मान लेंगे, ए, कोई एक ए मान लेते हैं। इसके बाद ट्यूसडे का क्या आ जाएगा, फिर ट्यूसडे का आएगा ए प्लस डी, ए डिग्री सेल्सियस, ए प्लस डी डिग्री सेल्सियस। वेनसडे का क्या होगा, वेनसडे का ये होगा बच्चों, वेनसडे का हमें कितना दिया 30, तो वेनसडे का कितना हो जाएगा ए प्लस 2D डिग्री सेल्सियस जो कि 30 हो जाएगा। थर्सडे, थर्सडे कितना होगा ए प्लस 3D डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे, फ्राइडे का कितना होगा ए प्लस 4D डिग्री सेल्सियस। और एंड में सीटीडी, सीटीडी का कितना होगा बच्चों, सीटीडी का ए प्लस 5D डिग्री सेल्सियस, ए प्लस 5D डिग्री सेल्सियस। अब पहली कंडीशन रीड करते हैं हम, पहली कंडीशन रीड कर देखिए यहाँ से, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और टेम्परेचर, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम किया तो 5 डिग्री से ज्यादा है ट्यूसडे और सैटरडे से, मंडे और सैटरडे। तो मंडे का टेम्परेचर लिख लीजिए पहले, मंडे का टेम्परेचर कितना है ए प्लस, सैटरडे का ए प्लस 5D, इसका सम किया, इज है तो इज लगा लीजिए, इक्वल टू 5 मोर, मतलब 5 और फिर प्लस, अगर लेस रहता तो -5 पीछे लिखते, ठीक है +5 आगे लिख सकते हो लेकिन -5 पीछे ही लिखना पड़ेगा। ट्यूसडे और सैटरडे का, ट्यूसडे का कितना है ए प्लस डी, प्लस सैटरडे का कितना है ए प्लस 5D, तो दोनों साइड का सैटरडे तो कैंसिल ही हो रहा है, दोनों साइड का सैटरडे तो कैंसिल ही हो रहा है ना, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या क्या होगा, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू
फाइव प्लस टू ए प्लस सिक्स डी, टू ई कैंसिल, टू ए से टू ए कैंसिल, फाइव डी और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस सिक्स डी इज इक्वल टू फाइव, माइनस डी इज इक्वल टू फाइव, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस फाइव, डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस फाइव। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया है वहां पे, सीधा सीधा कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है, वेनसडे का टेम्परेचर दे दिया माइनस थर्टी, वेनसडे का टेम्परेचर माइनस थर्टी, वेनसडे का कितना है, फ्रॉम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन से, और यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। क्या है, क्या है यहाँ पे कंडीशन वेनसडे के लिए, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू माइनस थर्टी, यहाँ डी की वैल्यू पुट की है, ए प्लस टू इंटू माइनस फाइव माइनस थर्टी, ए माइनस टेन माइनस थर्टी, माइनस टेन की साइड चेंज कीजिए, माइनस थर्टी प्लस टेन, ए की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी, ए की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी। देखिए इतना इजी सवाल था, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, सभी टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेना है यहाँ पे, हेंस हेंस टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर्स मंडे का कितना हो जाएगा, मंडे का कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो ए था, क्योंकि वो ए था, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मंडे का टेम्परेचर जो लिया था हमने वो कितना था, ए, ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस, ट्यूजडे का टेम्परेचर कितना लिया था हमने, ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस, वेनसडे का हमें दिया ही हुआ था, दिया ही हुआ था माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद थर्सडे, थर्सडे का कितना है, ए प्लस थ्री डी, तो माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री इंटू ये हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन माइनस थर्टी फाइव, फ्राइडे का टेम्परेचर, फ्राइडे का ए प्लस फोर डी, माइनस ट्वेंटी प्लस फोर इंटू माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टी, और लास्ट का सैटरडे का, सैटरडे 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 टेम्परेचर ए प्लस फाइव डी, ये कितना होगा माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव, ये हो जाएगा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। ओके आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ गई होगी, बहुत इजी टॉपिक था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ट्री प्लांटेशन का काम अरेंज किया गया था, प्रोग्राम अरेंज किया गया था, और जो लैंड थी जो जमीन थी वो थी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर जमीन इस प्रकार थी कुछ। तो पहले जो रो है उसमें एक ट्री प्लांट किया गया, सेकेंड रो में दो ट्री प्लांट किए गए, थर्ड रो में तीन ट्री प्लांट किए गए, और टोटल जो रोज थे वो कितने थे 25। इसके अंदर हमें ये निकालना है कि कितने ट्रीज को प्लांट किया गया होगा, कितने ट्रीज को प्लांट किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, इन फर्स्ट रो वन ट्री प्लांटेड प्लांटेड, इन सेकेंड टू ट्री प्लांटेड, एंड सो ऑन, देयरफॉर ट्री प्लांटेशन इज इन एपी, इज इन एपी। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो टी वन की वैल्यू हो जाएगी वन, टी टू की वैल्यू हो जाएगी टू, टी थ्री की वैल्यू हो जाएगी थ्री, टी फोर की वैल्यू हो जाएगी फोर, टी टू माइनस टी वन टू माइनस वन वन, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी वन, ए की वैल्यू मिल जाएगी वन, और टोटल कितने रोज हैं 25, तो एन की वैल्यू 25, हमें निकालना है S25। ओके आगे देखिए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जब तक टी एन नहीं दिया हो तब तक आप छोट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो,
तो एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू है कितना 25 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, प्लस एन का वैल्यू 25 माइनस 1, डी का वैल्यू 1, 25 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 24 माइनस 1, 24 माइनस 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 1 24, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 26, तो 25 इंटू 13, 13 फाइव ज़ा 65 कैरी 6, 13 टू ज़ा 26, 26 और 6 32, तो 3 2 5 ट्रीज। तो यहाँ पे हेंस लिखेंगे, हेंस हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज बी 3 2 5, 3 2 5। ओके क्लियर बच्चों, क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा 3.4 भी कंप्लीट हुआ और थर्ड चैप्टर की सारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी है। अगले सेशंस में हम 3.4 के बाद जो प्रॉब्लम सेट है उसको कवर करेंगे। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके वो डिस्कस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।